तो अभी वापस से बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया था। हम ये जो ग्लासेस लेने के लिए गए थे मेरे, क्योंकि मेरे आंखें दर्द कर रही थी, तो इसलिए नंबर बिना के हैं ये, क्योंकि इससे जो फ़ोन में से ब्लू रेज निकलती है वो आंखों में नहीं जाती और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो ये आँखों को फ़ायदा करती है, क्योंकि ये वैसे अच्छे भी लग रहे हैं, बुरे भी नहीं लग रहे। नॉर्मल जो आते हैं नंबर वाले वैसे ही होते हैं ये, सिर्फ एक ग्लास का फ़र्क होता है, क्योंकि इस ग्लास का कुछ नाम है, मैं भूल गया क्या है, तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये हम मैंने ली है पोरबंदर से। तो अगर किसी को आंखें दर्द करती हो तो आप ये ले सकते हैं। ये मेरी वरना मैं फ़ोन में देखता हूँ तो आंखें दर्द करती हो, खास करके ऑनलाइन क्लासेस में। वैसे नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में सामने देख के बैठना पड़ता है फ़ोन की तरफ ही, तीन तीन चार चार घंटे, तो इसलिए ये बनवाए हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इसे, जिसकी आंखें दर्द करती है वो नंबर चेक करवा ले पहले आप, बाद में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं ये। कोई मतलब कि फ़र्क नहीं है देखने में, या इससे आपको साफ दिखता है और जो रेज निकलती है वो यहीं पर अटक जाती है, अंदर नहीं आती, बस यही फ़र्क है। अभी बारिश आ रही है, जल्दी से घर पे चला जाता हूँ, ये ग्लासेस अंदर रख देता हूँ वरना ये भी भीग जाएंगे। चलते, वैसे बताना मैं कैसा लग रहा हूँ इस ग्लासेस में, मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं। चलते, यहाँ पर पंछी के लिए दाने डाले गेहूँ और, लेकिन इस तरफ तो पानी आ गया, लेकिन यहाँ पर ऊंचा नहीं है तो यहाँ पर नहीं आया, तो यहाँ से खा सकते हैं वो। यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है थोड़े से, उस तरफ अभी है बहुत, उस तरफ अभी वो इस तरफ आएगी। ओए, मेरा चप्पल तो वहीं पर पड़े रहे, मैं तो भूल ही गया। क्या रुक गई वापिस बारिश, ये काई को रुक गई, पता नहीं जी कौन सी बारिश आती है। ये शायद गोल पूरे में राउंड लेगी। अभी इस तरफ देखो कुछ नहीं है, उस तरफ है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ पूरा क्लीन दिख रहा है, उस तरफ तो कुछ नहीं दिख रहा, इस तरफ भी नहीं है, अभी इस तरफ पूरा दिख रहा है सारा कुछ, उस तरफ से ओए, ओए। चलो अभी आएगी तब शूट करेंगे, थोड़ा सा अभी जरा जरा आ रही है, छतरी मेरे को रोक रही है पीछे, देखो। तो आज बारिश ने आराम लिया है, रात को तो थी लेकिन सुबह से नहीं आई, और धूप भी अच्छी निकली है, जो कि ये एक कुदरत का बैलेंस है, जो कि धूप भी होनी चाहिए ताकि पशु पंछी के रहने के ठिकाने हैं वो भीग जाते हैं तो सूख भी जाए, और खाने पीने की भी उसे कोई दिक्कत ना आए। ओ ये फूल के पौधे हैं, उसको शायद पानी ज़्यादा हो गया ऐसा लगता है,
क्योंकि इसको पानी थोड़ा कम चाहिए। बाकी ये सुपारी पे भी सुपारी बहुत अच्छे से लग गए हैं और इसमें दूध और गुड़ का प्रयोग किया था। एक पंप में आधा लीटर दूध डाला था 15 लीटर पानी में और 250 ग्राम गुड़ डाला था। बहुत गिर रहे थे तो तब से रुक गए हैं। तो जो भी किसान भाई देख रहे हैं वीडियो, वो भी प्रयोग करें आप किसी भी फसल में। जब फूल आने की शुरुआत हो या फल लगने की शुरुआत हो तब आप इसको 2-3 बार चार पाँच दिन के करीब करीब उपयोग करें इसका। तो ये सारे केसर के आम है जो छोटे हैं, ये भी अगले साल शायद आएंगे इसमें भी आम। तो अभी सारी गायों को यहाँ छांव में बांधा गया है। अभी तक ये बाहर धूप में ही थी, 2-2.5 घंटे तक धूप में रही, क्योंकि धूप भी ज़रूरी है इसको, ख़ास करके इस तरह के बारिश शुरू हो और फिर ख़त्म हो तब जो धूप निकलती है उसमें बांधनी चाहिए। और ये गोपली के पास से हम गुजरते हैं तो उसको हाथ फेरना ही पड़ता है, वरना वो कैसे भी करके हमारे पास आ जाती है। ये रिद्धि और छोटी कृष्णा है, ये वेगर, ये गोपली, यहाँ पे पूनम है। राधा और 2 बफेलो उधर ही है, क्योंकि बफेलो को धूप की ज़रूरत नहीं रहती है, वो आँपने लगती है धूप में। राधा, ए राधा, इधर गोपाल बैठा है, वो काना खड़ा है क्योंकि एक दो जगह से फ़ोन आए थे तो काना अब कहीं पर जाने वाला है क्योंकि ये ब्रीडिंग में चलेगा, क्योंकि इसकी माँ का मिल्किंग बहुत ही अच्छा था, मिल्किंग कैपेसिटी, और इसकी दादी का भी अच्छा था। और इसका मामा जो था पूरा वाइट था, प्योर कपिला, तो उसके भी बच्चे थोड़े से आए थे इधर हमारे पास के गांव में, ले गए थे वहां पे, तो वो भी बोल रहे थे कि उसकी बच्चियों की जो मिल्किंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ही अच्छी आई है। तो ये भी शायद चला जाएगा कहीं पर भी अच्छी जगह होगी वहां दे देंगे हम इसको। और मूंगफली भी बारिश का पानी पी के बहुत ही अच्छी तरह से खिल गई है, फसल बहुत ही अच्छी है। अब इसमें जामुन के पेड़ में जामुन पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। और टाइगर भी साथ में आया है। तो ये नीम का पेड़ जो बड़ा है, ये मोर का घर है, ठिकाना है, यहाँ पे 10-12 मोर रहते हैं इस पर, तो इसलिए इसको काटा भी नहीं है नारियल के पेड़ को। और खेत में दोनों तरफ ये छांव इसकी पड़ती है तो नुकसान थोड़ा सा करता है, लेकिन मोर के लिए इसको रख दिया है।
अब ये दूसरा पेड़ जो नीम का है ये बड़ा हो गया है, तो अब इसकी थोड़ी सी डालियां काटेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा हुआ है जो कि धीरे धीरे से निकल जाएगा, और मैं खेत के सामने की तरफ हूँ, पश्चिम की तरफ। I'll take it. क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पानी तो रहता ही है, क्योंकि यहाँ से पानी निकलता है पूरे खेत का जो जमा होता है ये यहाँ से ही। और इस बार मूंगफली का केमिकल टेस्ट भी होगा जब ये पक जाएगी तब। इस बार शायद केमिकल में कोई रिपोर्ट नहीं आएगा, केमिकल का ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो ये है कारेली जो कि हमने लगाई थी दिवाली के बाद में, तो अभी तक है। जब भी हमें सब्जी बनानी हो तब इसमें से ले जाते हैं हम करेला। ये देसी टाइप का है, बहुत बड़ा नहीं होता और कड़वा थोड़ा ज़्यादा लगता है ये। तो आज इसमें थोड़े से निकल जाए, अगर तो मिल जाए तो शाम को सब्जी बनेगी करेले की। और ये हाइब्रिड है क्योंकि दोनों लगाए थे इसमें, हाइब्रिड और देसी टाइप के जो आते हैं वो, ये बड़ा हुआ है, साइज में बहुत बड़ा है। क्योंकि कड़वा थोड़ा कम रहता है वो छोटे वाले से ये। तो ये है ज्वार जो कि एक साल तक रहती है, कटाई जब आए बड़ी हो जाए तब काटते रहना, और एक साल तक ये कटाई इसकी शुरू रहती है। इतने में नेपियर था तो नेपियर को निकाल के ये लगाई ताकि दो तरह का हरा चारा उसको गायों को मिल सके बारी बारी से। और बहुत अच्छा ग्रोथ है इसका, बहुत अच्छी निकली है। और ये मैडम यहाँ पर बैठी है, और यहाँ मेरी माँ है जो कि आराम कर रही है और न्यूज भी देख रही है गुजराती। गुजराती न्यूज और गुजराती चैनल ज्यादा देखते हैं। तो यहाँ पे घी और गुड़ गरम हो रहे हैं खाने के लिए। तो आज दोपहर के खाने में है सब्जी में है चोरी, रोटी, छाछ, दही और घी और गुड़।